अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेस ऑफ अ कंप्यूटर साइंस। हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू, क्या हाल है वाले आप लोगों के? उम्मीद है गर्मियाँ इन्जॉय कर रहे होंगे आप। और अब हमने उम्मीद और लास्ट चैप्टर नंबर 5 भी आपने अच्छे से पढ़ा होगा और काफ़ी कुछ आपको पता चला होगा नया कि क्या होता है, और जो पता नहीं चला होगा पहले से पता था तो उम्मीद है उस नॉलेज में इजाफा हुआ होगा। सो टुडे वी आर गोइंग टू डेवलप अ वेरी ब्रांड न्यू चैप्टर विच इज़ चैप्टर नंबर 6 ऑफ वेब डेवलपमेंट। ठीक है, अच्छा इस चैप्टर में बोनस क्या है? बोनस आपके पास ये कि इसका एक या दो लेक्चर हम HTML पे करने वाले हैं विच इज़ अ प्रैक्टिकल हैंड ऑन, और वो आपको इसके साथ कनेक्ट मिलेंगे इंशाल्लाह। तो आप में से जो लोग इस लेक्चर्स को देख रहे हैं तो डेफिनेटली दे आर गोइंग टू गेट द थ्योरेटिकल नॉलेज एज वेल एज द प्रोफेशनल एंड प्रैक्टिकल नॉलेज ऑफ HTML एज वेल। व्हाट द नेम ऑफ अ चैप्टर आई हैव सेट बिफोर इज द व्हाट? वेब डेवलपमेंट। यस, सो इन योर ओपिनियन व्हाट इज वेब एंड व्हाट इज अ वेब डेवलपमेंट? अगर ट्रांसलेशन वाइज देखें तो वेब इज नथिंग बट द जाला, मकड़ी के जाले को आप वेब कहते हो नहीं कहते हो? ठीक है, ये आपके पास स्क्रीन आ रही है, इस स्क्रीन में बहुत सी चीज़ें हमें नज़र आ रही हैं, लेकिन हम अभी यहाँ पे जो कुछ देखना चाह रहे हैं वो चैप्टर का नाम और ये वेब से रिलेटेड इमेजेस कुछ यहाँ पे लगाई हैं। देखिए आप लोग ज़रा सा, ओके। सो यहाँ पर हमारे पास जो सबसे पहली चीज़ हमें पता होनी चाहिए वो ये कि वेब डेवलपमेंट है क्या, हाउ वी डिफाइन द वेब डेवलपमेंट। ठीक है, तो वेब क्या है? वेब इज अ जाला, वेब इज़ अ इंटर कनेक्शन ऑफ अ डिफरेंट स्टफ्स टूगेदर, कनेक्टिंग दैम टूगेदर विद अ जॉइंट सेंटर। जैसे कि ये आइडिया देखिए, सामने ग्लोब है, दुनिया है, और दुनिया के साथ इतने सारे सिस्टम कनेक्ट हैं, ये बन रहा है ना कुछ जाले जैसा। तो बस इसी तरीके से यूजिंग द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वी आर कनेक्टिंग द डिफरेंट सिस्टम्स एंड अदर गैजेट्स। क्यों कहें, अगर आज से आप ये 8-10 साल पहले बात करते तो मोस्ट प्रोबेबली द सेकेंड गैजेट यू पॉप अप इन योर माइंड इज जस्ट अ मोबाइल फ़ोन। उस वक्त भी ये नया शुरू हुआ था, लेकिन अब जो ज़माना है इस वक्त तो हर एप्लीकेशन, इवन इट इज़ योर स्मार्ट वॉच और एनी ऑफ द अदर स्मार्ट डिवाइसेस, दिस सपोर्ट द वेब एप्लीकेशन ऑन दैट डिवाइस। ठीक है, बट प्राइमरली ऑफ कोर्स आवर कंसर्न इज अबाउट द वेब डेवलपमेंट यूजिंग दैट दीज गैजेट्स विच वी कॉल द मॉनिटर एंड कंप्यूटर। कंप्यूटर की मोटी टेक्नोलॉजी, दिस इज अ स्टैंडर्ड ऑफ क्लास 9 और 10, तो इसमें बिल्कुल बेसिक्स रखा गया है, तो उसके हिसाब से ये। तो आई बिलीव कि आपको वेब का कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। वेब डेवलपमेंट क्या है? इट इज अ डेवलपमेंट ऑफ अ डिफरेंट वेबसाइट्स, डिफरेंट वेबसाइट्स भी हो सकती हैं, ऑनलाइन एप्लीकेशन भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल यू आर यूजिंग द सम फूड एप्लीकेशन लाइक फूड पांडा, और यू आर बाइंग एंड सेलिंग ऑनलाइन यूजिंग द OLX एंड Alibaba.com एक्सेट्रा, एंड मे बी यू आर इंटरेस्टेड टू परचेज समथिंग फ्रॉम Draz.pk। तो एनी थिंग यू वॉन्टेड टू डू दैट विल बी सपोर्टेड बाई योर सिस्टम ईदर और योर कंप्यूटर और योर मोबाइल फोन और योर स्मार्ट गैजेट्स। ठीक है, वहाँ से कहीं से भी आप कर सकते हैं। तो उनको आपस में इंटरकनेक्ट करने के लिए जो एप्लीकेशन हमें चाहिए होती हैं, दोज एप्लीकेशन फॉल विद द ऑनलाइन एप्लीकेशन। ठीक है, वो ऑनलाइन एप्लीकेशन कहलाती हैं हमारे पास, और ये पूरा प्रोसेस जो है डेवलपिंग द वेबसाइट्स, फोरम्स, ब्लॉग्स एक्सेट्रा, एनी अदर ऑनलाइन एप्लीकेशन, दिस प्रोसेस इज नोन एज वेब डेवलपमेंट। आई बिलीव डैट कि आपको वेब डेवलपमेंट थोड़ा सा समझ में आया होगा। इस वेब डेवलपमेंट के साथ एक स्क्रीनशॉट ही आपके सामने लगाया हुआ हमने वेब ब्राउजर का। ठीक है, ये गूगल क्रोम हमने ओपन किया हुआ है, लेकिन इसी तरह से कई सारे हमारे पास आने वाले हैं वेब ब्राउज़र। उन वेब ब्राउज़र्स को हम गो थ्रू करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि इस लेक्चर 1 के अंदर उनकी क्या अहमियत है क्या नहीं है। लेकिन बहरहाल ये जो फ्रंट स्लाइड थी दैट शोइंग द सम हाईलाइट्स ऑफ द टूडेज लेक्चर, व्हाट द कंटेंट्स वी आर गोइंग टू कवर इन द टूडेज लेक्चर एंड सो फोर्थ ड्यूरिंग दिस वेब डेवलपमेंट प्रोसेस। अच्छा, एक बात ये नोट कर लें कि दिस इज़ अ प्राइमरीली बेसिकली डेवलप्ड लेक्चर, यानी इसमें हम बहुत ही बेसिक से स्टार्ट करेंगे। सो इफ़ यू आर वेरी न्यू विद द वेब डेवलपमेंट एंड यू वॉन्टेड टू मेक योर करियर इन द वेब डेवलपमेंट, दिस इज़ अ राइट प्लेस टू स्टार्ट विद एंड सो फोर्थ। आफ्टर गेटिंग द मैनी थिंग्स, मैनी इन्फॉर्मेटिव नॉलेज अबाउट दिस वन, डेफिनेटली एट द एंड ऑफ द लेक्चर, जब स्लाइड ये हमारी थ्योरी पूरी मुकम्मल हो जाएगी, तो मैं आपको बहुत सारी ऐसी टिप्स देने वाला हूँ। इफ़ यू रियली वॉन्टेड टू चूज वेब डिज़ाइनर और वेब डेवलपर एज योर करियर, डेफिनेटली दिस गोइंग टू बी अ बिगिनिंग स्टोन फॉर योर करियर। So let's start our today's lecture. Hello viewers, if you like our online lectures, so keep subscribe, like and share our both channels, PNCPSS and Professor M.M. Mansoor.
ओके सो लेट्स स्टार्ट अवर वेब डेवलपमेंट स्टेप बाय स्टेप बेसिक बाय बेसिक सो दिस हियर वी गो विद द डेफिनेशन ऑफ अ वेब डेवलपमेंट व्हाट इज अ वेब डेवलपमेंट वेब डेवलपमेंट ऑफ अ वेबसाइट एंड द ऑनलाइन एप्लीकेशन इज कॉल्ड द वेब डेवलपमेंट ठीक है दिस इज डन बाय कोडिंग यहाँ पे क्वेश्चन ये देखो भाई एक तो बात ये आपका स्टैंडर्ड अभी छोटे बच्चे हो तो मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में जाऊँगा मुश्किल बोलूँगा तो डेफिनेटली यू विल स्विच द चैनल तो मैं ये नहीं चाहता मैं चाहता हूँ कि आप समझें और उस चीज़ को अंडरस्टैंड करें कि है क्या चीज़ ठीक है तो यहाँ पे दिस इज़ डन बाय द कोडिंग इन द डिफरेंट लैंग्वेजेस ठीक है अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप उर्दू पश्तो इसमें कोडिंग समझ रहे हो ये उर्दू पश्तो वाली कोडिंग नहीं है इट इज़ अ कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेजेस ठीक है तो कोडिंग का उसका मेथड होता है तो यहाँ पे हम प्रोग्रामिंग साइड को फिलहाल टच नहीं कर रहे हम सिर्फ इतनी सी बात समझ रहे हैं कि वेब डेवलपमेंट क्या है इट इज़ अ डेवलपमेंट ऑफ अ वेबसाइट एंड अदर ऑनलाइन एप्लीकेशंस ठीक है तो एक जो कंप्लीट वेब एप्लीकेशन होती है इट मे कंसिस्ट ऑफ अ यूजर इंटरफेस बैकएंड सर्वर कोड्स एंड डेटाबेस क्या इसका क्या मतलब है मैं थोड़ा सा डेमोंस्ट्रेट करके बताना चाहूँगा जैसे आपसे वादा किया है कि आपको पता होना चाहिए तीन बातें जहन में रख लीजिए कि तीन चीज़ें तीन कंपोनेंट्स कह लीजिए इसको देर आर द थ्री कंपोनेंट्स ऑफ अ वेब डेवलपमेंट यूजर इंटरफेस बाय द हेल्प ऑफ विद यूजर इंटरैक्ट और बैकहेंड सर्वर तो ये चीज़ें और डेटाबेस है तीन बातें ठीक है डेटाबेस तो अगले चैप्टर में आने भी वाला है हमारे पास उसको डिटेल में भी पढ़ेंगे अब इसके एक डिमॉन्स्ट्रेशन देखते हैं गूगल की साइट के ऊपर जाकर ओके तो यहाँ पे हमने वेब ब्राउज़र एक खोला है ब्राउज़र क्या होता है डोंट वरी अबाउट दिस वन एक वेब ब्राउज़र खोला है और मैं आपको सिर्फ बताना क्या चाह रहा था वो जो बातें आपने ज़रा सा रिकॉल रखनी है कि हम क्या चीज़ें बताना चाह रहे हैं क्या देखना चाह रहे थे हम ये बातें तीनों देखना चाह रहे हैं कि यूज़र इंटरफेस किसे कहते हैं बैकहेंड कोड सर्वर कोड किसे कहते हैं और डेटाबेस किसे कहते हैं तो इन्हीं बातों को थोड़ा समझेंगे देखिए ये मैंने जो यूज़र गूगल का ब्राउज़र खोला है इससे मैं इंटरेक्ट हो सकता हूँ अपनी ईमेल आईडी के लिए तो ये मेरा यूज़र इंटरफेस है अपनी आईडी को जाने के लिए इसके अलावा किसी और सफ़े के ऊपर अगर मैं जाऊँगा तो वो मेरी आईडी के ऊपर नहीं जा सकेगी देखिए आपके सामने कि ये आईडी हम यूज़ कर सकते हैं इसके अंदर हम गो थ्रू कर सकते हैं कि जनाब ये चीज़ें जारी होंगी समझ में आ रही बात ये तो यूज़र इंटरफेस हर उस इंटरफेस को कहते हैं विच प्रोवाइड द कनेक्टिविटी बिटवीन द यूज़र एंड द सिस्टम तो एक बात तो ये हो गई हमारे पास अब दूसरी बात क्या हो गई कि अब मैं इसको अथोराइज़ करूं क्या मैं ही ये आईडी का होल्ड करने वाला हूं कि नहीं हूं तो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा तो अगला पेज आपके सामने आ गया इसमें हम पासवर्ड डालेंगे और उसको जो है क्या कहते हैं गो थ्रू करेंगे ओके ये हमने इसमें पासवर्ड डाल दिया इस वक्त और पासवर्ड डालने के बाद अब अगला स्टेप क्या करेंगे हम इसके अंदर अगला स्टेप हम ये करेंगे नेक्स्ट का अटेम्प्ट करेंगे तो नेक्स्ट के अटेम्प्ट में हो गया रहा है आपको जो लाइनें चलती हुई नज़र आ रही हैं एक्चुअली ये जो मेरी यूज़र आईडी और इसके साथ जो भी पासवर्ड मैंने डाला इसको वो अपने डेटाबेस से कौन गूगल अपने डेटाबेस से उसको वेरीफाई कर रहा है कि क्या फलाना यूज़र उसके ये पासवर्ड ये उसकी ऑथेंटिकेशन है कि नहीं है और इसके साथ हमने टू स्टेप वेरिफिकेशन भी इनेबल की वो हम अगले प्रैक्टिकल में आपको सिखाएंगे कि अपने अकाउंट्स कैसे सिक्योर कर सकते हैं आप लेकिन ये चीज़ें जो हैं क्या कहते हैं गो थ्रू हो रही होती है ठीक है तो ये इसकी वजह से क्या हुआ ये आपके सामने हमारी आईडी ओपन हो गई सामने नज़र आ रही है यहाँ पे कि जिसमें हम अपने डेटा को या स्टूडेंट्स के लिए जो चीज़ें हम रिकॉर्ड कर रहे होते हैं चीज़ें आ रही ये वो डिस्प्ले जो कि नज़र आ रहा है अब दोबारा से इस बात को समझिए क्या कह रहा था यूज़र इंटरफेस आपको समझ में बैकहेंड सर्वर गूगल का वो सर्वर है जहाँ मेरी आईडी और उससे रेलेवेंट जितनी भी ईमेल्स आती हैं प्राइमरीली वहाँ पे स्टोर होती हैं और वही डेटाबेस जो है वहाँ से सॉर्ट करके वो मुझको वो वाली तमाम ईमेल्स देगा जो मेरी आईडी से रिलेटेड है तो आई बिलीव कि आपको समझ में आएगा तो हर वेब एप्लीकेशन इसी तरीके से कनेक्टिविटी दे रही होती है आप OLX के ऊपर चले जाइए तो OLX में आपका यूज़र नेम आईडी बताएगा आपको वेलकम कहेगा और वेलकम कह के फिर आपकी डिज़ायर सर्च जो भी उसके सर्वर के ऊपर मौजूद है वो डेटाबेस पे जो कुछ मौजूद है वो दिखाएगा और फिर आप उससे रिलेवेंट जो भी क्यूरी करते हैं वो बैकहेंड सर्वर कोड JavaScript इस्तेमाल हो रही है PHP इस्तेमाल हो रही है कोल्ड फ्यूजन एक ज़माने में इस्तेमाल होती थी आजकल Python इस्तेमाल हो रही है सारी मैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की आपको जिक्र कर रहा हूँ कि इनकी कनेक्टिविटी प्रोवाइड की कर रहे होते हैं ये तो इन सब में से कौन सा कोड यूजफुल है और कंपनी ने कौन से कोड को अडॉप्ट किया तो उसकी मदद से करेगा ठीक है यहाँ तक तो उम्मीद आपको समझ में आएगा इसके बाद डेफिनेशन ऑफ अ टर्म्स हैं कुछ टर्मिनोलॉजीज आपके सामने स्क्रीन पर आ रही हैं इन टर्मिनोलॉजीज को जो है आपको डिफाइन करना आना चाहिए पहली चीज़ है वर्ल्ड वाइड वेब तो इसको हम क्या कहते हैं वेब ही कहते हैं थोड़ी देर पहले हमने जो डिस्कस किया www एंड व्हाट दिस वर्ड बाय इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ अ कंप्यूटर कनेक्टेड थ्रू द नेटवर्क प्रोवाइडेड पब्लिकली एक्सेसिबल इंफॉर्मेशन देखिए यहाँ नोट करने की बात यह है कि इट प्रोवाइड द पब्लिकली एक्सेसिबल इंफॉर्मेशन ठीक है प्राइवेट इंफॉर्मेशन इस पर नहीं शेयर हो रही होती तो www किसी भी वेबसाइट का URL अगर आप देखें तो उस URL के शुरू में हमेशा www हम लिखेंगे जैसे ये मैं आपके सामने अभी यहाँ पर टाइप करता हूँ
हूँ www, वैसे तो नेसेसरी नहीं है, लेकिन www.yahoo.com अगर हम करते हैं तो ये हमने लिख दिया। इसमें ये जो पहला है, ये पूरा का पूरा URL कहलाता है। मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर दूँ, बड़ा कर देते हैं, ठीक है। ये आप देखें तो ये पूरा का पूरा जो है वो क्या कहलाएगा, डोमेन नेम, और जिसको हम URL कहते हैं, यूनिफाइड रिसोर्स लोकेटर। इसके शुरू में इब्तदा में वो www, लेकिन आजकल के ब्राउजर्स इतने स्मार्ट हैं कि वो अब www की रिक्वायरमेंट, यानी कि वो आपसे ये नहीं कि इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन वो आपसे रिक्वायरमेंट नहीं करते कि जनाब वो चीज़ जो है आप www भी उसमें टाइप करें। इसके बाद अगली चीज़ है वेब पेज। वेब पेज इज़ अ डॉक्यूमेंट विच इज़ रिटन इन HTML, किसके अंदर लिखी हुई होती है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज के अंदर लिखी हुई होती है, HTML के अंदर। ये हम कोडिंग सीखने भी वाले हैं थोड़ी थोड़ी सी, और अगर इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन द एडवांस लेवल कोर्स तो यू कैन ज्वाइन अवर अदर चैनल MM मंजूर, प्रोफेसर MM मंजूर, तो उसमें इंशाल्लाह आपको ये इसकी एडवांस लेवल कोडिंग्स भी आपको सिखाई जाएंगी, ठीक है। तो वेब पेज क्या है, अच्छा ये बिल्कुल ऐसी ही बात है, अम्मी के पास डिनर सेट है, पूरा डिनर सेट। अगर हमारे पास एक वेबसाइट है तो उस डिनर सेट में से एक प्लेट हमारी वेब पेज हो सकती है। बिल्कुल आसान से तरीके से समझा दिया मैंने, यानी कि वो जो कलेक्शन, एक पूरे बुक है, वो पूरी बुक जो है हमारी वेबसाइट हो सकती है, और उसका एक पेज कोई एक डिज़ायर सेक्शन वो हमारा वेब पेज हो सकता है। तो वेब पेज इज अ डॉक्यूमेंट कॉमनली रिटन इन HTML, ठीक है। अब ये क्या होता है, रिटर्न कैसे की जाती है, अगला हमारा, और जिसको हम देखेंगे कैसे, देखो हर चीज को देखने के लिए उसका जो है क्या कहते हैं ऑपरेटर्स होता है, ठीक है। जैसे यूनिसेलुलर एलिमेंट्स को आपने देखना है तो यू नीड अ माइक्रोस्कोप, इफ यू वांटेड टू रन अ वर्ड डॉक्यूमेंट तो यू नीड सम वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, याद है ना आपको। तो इसी तरीके से वेब पेजेस को देखने के लिए वी नीड द इंटरनेट ब्राउजर्स। इंटरनेट ब्राउजर्स आर द सॉफ्टवेयर्स विच स्पेशली डिजाइन टू कनेक्ट द कंप्यूटर, लोकल कंप्यूटर और द यूजर कंप्यूटर विद द वर्ल्ड वाइड वेब, www के साथ कनेक्ट करता है, एंड इट विल डिस्प्ले द रिक्वेस्टेड पेज। फॉर एग्जाम्पल, अभी थोड़ी देर पहले हमने ईमेल आईडी की और उसको हमने गो थ्रू किया, एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल्स में ज़्यादा मज़ा आएगा करने में, इस चैप्टर इसलिए ज़रा ज़्यादा जो है वो हमारे पास किस चीज़ के लिए इन चीज़ों को गो थ्रू कर रहा है। ये आपके सामने आ रहा है COVID-19 की इन्फॉर्मेशन, इफ़ यू रियली वॉन्टेड टू सी द COVID-19 इन्फॉर्मेशन एंड अदर इन्फॉर्मेशन, देन यू विल गो विद द थिंग्स, ठीक है। सिमिलरली इफ़ यू वॉन्टेड टू गो विद द ईमेल आईडी, अब मैं फॉर एग्जाम्पल ये गूगल फॉर्म रिस्पॉन्स वाली ईमेल खोल देता हूँ। ये जैसे ही मैंने ईमेल खोली तो ये इसने वहाँ से डाटा फैच किया, फैच FETCH, फैच डाटा को फैच किया, और वो फैच डाटा हमें यहाँ पर दिखाना शुरू हो गई थी। आपके इस पर रिस्पॉन्स है, हमारी जो वीडियोज़ हैं हर वीडियोज़ के साथ डिस्क्रिप्शन में फॉर्म का लिंक है, आप उससे हमें फीडबैक और चीज़ें भेज सकते हैं, वो रिस्पॉन्स डायरेक्टली हमें कनेक्ट करेंगे, यहाँ पर मौजूद होंगे हमारे पास, ठीक हो गई बात, ये क्लियर हो रही है, ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को। अच्छा, अब यहाँ के बाद वेबसाइट, तो वेबसाइट तो वैसे ही समझ में आ गया कि वेबसाइट क्या है, कलेक्शन ऑफ अ वेब पेजेस, ठीक है। अम्मी का एक बर्तन और पूरा डिनर सेट, पूरा डिनर सेट वेबसाइट हो गया। कंटेनिंग द टेक्स्ट, इसमें क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, टेक्स्ट टाइप्स क्या क्या हो सकती हैं, टेक्स्ट हो सकता है, इमेज हो सकती है, ऑल टाइप ऑफ मल्टीमीडिया रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। व्हाट आई मीन बाय द मल्टीमीडिया, मल्टीमीडिया स्टैंड्स फॉर द म्यूजिक, है ना, म्यूज़िक भी हो सकता है। इसी तरीके से म्यूज़िक के अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, तस्वीरें, और क्या हो सकता है, वीडियोस, इसी तरीके से कोई एनिमेशन, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड विद द एनिमेशन, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप वेबसाइट के ऊपर देख सकते हैं, बट इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ अ वेब पेज। आप वेब पेज मोर और लेस लाइकली टू डिस्प्ले द रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट द टॉपिक, किसी भी एक टॉपिक, क्योंकि एक ही पेज है ना, तो एक ही से मुतालिक बात कर रहा होगा। और इसको हम देखते कैसे हैं, इसको कर कैसे सकते हैं, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया, वी कैन व्यू यूजिंग द URL या यूनिफाइड रिसोर्स लोकेटर, इफ़ यू रिमेंबर, तो दिस इज़ अ योर यूनिफाइड रिसोर्स लोकेटर। ये आपका क्या है, यूनिफाइड रिसोर्स लोकेटर नज़र आ रहा है, ये ऊपर जो ये चीज़ नज़र आ रही है, देखिए ये चीज़, इसकी बात कर रहा हूँ, ये mail.xyz जो भी लिखा हुआ है, ये आपका क्या है, यूनिफाइड रिसोर्स लोकेटर है। इज दिस मेक सम सेंस, अच्छा यहाँ तक एक बात मुकम्मल होती है। तो मुझे ये लगता है कि अब वीडियोस की लेंथ भी हमें इतनी लिमिटेड रखनी चाहिए कि बहुत ज़्यादा हो तो बोर हो के आप ना छोड़ें, तो इसके बाद हम होमवर्क की बात कर लेते हैं। चलें जी, होमवर्क का काम आ गया आपके पास, बहुत आसान सा है होमवर्क। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द फॉलोइंग टर्म, नंबर वन इज़ अ वेबसाइट, सेकंड इज़ अ वेब पेज, एंड थर्ड वन इज़ अ www। और वेब डेवलपमेंट भी चाहें तो इसमें आप इजाफा कर लेते हैं बल्कि साथ के साथ वेब डेवलपमेंट, ठीक है, तो वेब डेवलपमेंट हो गया। क्वेश्चन नंबर टू है, लिस्ट एटलीस्ट 10 वेबसाइट्स
along with their code functions. ठीक है, उनके जो है 10 websites की list करनी है. Format ये है, आपने line बनानी है, 3 column, name of website, for example Daraz, इसका link आपने दे दिया daraz.pk, और purpose क्या है, it provide the online shopping and consultancy, whatever you like. आप Google करते जाएं, purpose देखते जाएं और काम करते जाएं. अच्छा, एक तो ये homework था, एक homework मैं आपको और दे रहा हूँ जो होमवर्क से ज़्यादा लर्निंग है, ताकि इसी हम वेब पेज के बहाने कुछ ना कुछ साथ साथ लर्न करते चले जाएं. एक नया पेज खोल लेते हैं और गूगल पे जाके हम विकीपीडिया, ये ज़रा सा सर्च करना आप लोग डालें, विकीपीडिया एक साइट है हमारे पास जिसपे डाटा अवेलेबल होता है और जिसपे हम किसी भी चीज़ के मुतालिक कोई भी इंफॉर्मेशन अगर हमें चाहिए हो तो वी कैन गो विद डैट वन. मैं अभी उसको बड़ा करता हूँ, wikipedia.org. फॉर एग्ज़ाम्पल हम बात करते हैं कंप्यूटर या वेब डेवलपमेंट, कंप्यूटर की बात कर लेते चले जनरली. मैंने गूगल किया, या आपको गूगल के अलावा भी पता चल गया ना, आप देखेंगे यू हैव गॉट अ लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट दिस वन. मैं इसको थोड़ा जूम भी करके दिखा देता हूँ इफ़ यू आर इंटरेस्टेड वन. देखिए कंप्यूटर के मुतालिक इसकी डिटेल्स हैं, इसकी पूरी प्राइमरली हिस्ट्री है, फिर इसकी एडवांसमेंट और डेवलपमेंट है. फर्दर ये जितने भी ब्लू नज़र आ रहे हैं दीज आर द लिंक्स, ये सारे क्या है हमारे पास लिंक्स हैं, आप इनसे उसके आगे प्रोडक्ट्स के ऊपर भी जा सकते हैं. फॉर एग्जांपल इफ़ यू वांटेड टू अंडरस्टैंड द डेफिनेशन ऑफ मशीन, यू कैन होवर योर माउस, माउस को उसके ऊपर ले जाएं तो देखें आपकी डिटेल्स आ रही हैं. ठीक है, ये आपके पास सीक्वेंस है तो सीक्वेंस का कॉन्सेप्ट इधर इसने दे दिया. ठीक है, अर्थमेटिक या लॉजिकल ऑपरेशन है तो ये बता रहा है कि अर्थमेटिक क्या होता है या लॉजिकल ऑपरेशन से क्या मुराद है हमारे पास. समझ में आ रही है, तो दिस इज़ वर्थ अंडरस्टैंडिंग. आपका गूगल आपको सब डेटा दे रहा है, आप विकीपीडिया के ऊपर जाइए तो आप इसको गो थ्रू कर सकते हैं. तो ये बहुत बेस्ट वेबसाइट है फॉर इनिशियल लर्नर्स. ठीक है, यहाँ तक अपना ख्याल रखिए. तो तीसरा हमारे पास होमवर्क का कंपोनेंट क्या हो गया, कि यू नीड टू एक्सप्लोर द www.wikipedia. इंसाइक्लोपीडिया होता है ना, इसी तरह से विकीपीडिया हमारे पास है, wikipedia.org. ठीक है, ये आपने वेबसाइट जो एक्सप्लोर करनी है, एंड कोई भी दो टॉपिक जो आप इससे सर्च कर रहे हैं कंप्यूटर रिलेटेड ही सर्च कीजिएगा तो उसके मुतालिक शॉर्ट नोट आपने लिख के देना है एक एक सफ़े का, दैट्स इट. तो सब कुछ तो छापना है, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए मैं बात कर रहा हूँ. ठीक है, बहुत मज़े की होने वाले ये लेक्चर्स, अपना ख्याल रखें. इंशाल्लाह अगले लेक्चर में फिर मुलाकात होगी. बहुत ही थोड़ा सा कंटेंट पढ़ा है लेकिन बहुत डिटेल में हमने पढ़ा है. होपफुली यू लाइक द लेक्चर. इफ़ यू लाइक द लेक्चर प्लीज़ गिव अस अ थम्स अप एंड कंसीडर सब्सक्राइबिंग द चैनल. ठीक है, हमारे दोनों चैनल्स आपके सामने आ चुके हैं, ऐड पर भी आ रहे थे. तो आप अगर समझते हैं कि जनाब दिस इज़ अ गुड लेक्चर तो डेफिनेटली यू मे गो विद द लेक्चर्स एंड लाइक अस. And do keep learning yourself. Take care of yourself. Allah Hafiz.